बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता रहे, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। भाई हिमांशु सिंह ने बहन शिवानी सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। शिवानी सिंह का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसके साथ ही भाई को पता चला और भाई ने हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग को लेकर भाई ने कई बार विरोध भी किया था। 24 दिसंबर को शिवानी सिंह अपने प्रेमी से मिलने गई थी और भाई को पता चला और भाई ने हत्या कर शिवानी को मौत के घाट उतार दिया। हिमांशु ने शिवानी की घर वापस आने पर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर में ही दफना दिया। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना भी नहीं दी गई। शिवानी के माता पिता पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। 5 साल से बड़े भाई हिमांशु के साथ शिवानी रह रही थी और इसके साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हिमांशु की तलाश शुरू कर दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताया, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अली फोन लाइन पर जुड़ गए। अली, जैसे कि हम लखनऊ से बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां पर भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया, ये घटना शर्मसार कर देने वाली सामने आई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये पूरा मामला राजधानी लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र के पलरी गांव का है, जहां पर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला यह पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जो भाई था उसने बहन की हत्या कर दी और उसके बाद उसी के शव को अपने कमरे में दफना दिया। लेकिन इस बीच इसकी जानकारी ना तो पुलिस को हो पाई, ना ही आसपास के लोगों को। लेकिन किसी तरीके से जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात भाई को गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि जो उसकी बहन थी उसका किसी दूसरे से अफेयर चल रहा था। और हालांकि उसने इसका विरोध कई बार जताया था, लेकिन जब बहन नहीं मानी, और ये भी बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को जो उसकी बहन थी वो अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जो इसकी जानकारी भाई को हुई और भाई ने इसका विरोध किया। हालांकि विरोध के बाद जो भाई था उसने 24 की रात को ही बहन को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसे जो कमरा था उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में दफना दिया। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही भाई के साथ प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी ये वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि प्रेम प्रसंग का ही मामला था या फिर किसी और तरीके से उसकी हत्या की गई है। और हत्या की जो डेट है वो भी अभी फिक्स नहीं हो पाई कि किस डेट में बहन की हत्या की गई है, लेकिन ये पूरा मामला 24 दिसंबर का बताया जा रहा है। जी अली, पुलिस की गिरफ्त में है भाई हिमांशु? आप बिल्कुल, देखिए जिस घटना की रात में ही पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की गई है। वहीं दूसरे गांव का एक जो उसका प्रेमी था निवासी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो हत्या की मेन वजह थी वो क्या थी और किस रात में बहन को मौत के घाट उतारा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात होगी कि भाई पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।